रिश्तों में तनाव, भारत और चीन व्यापार में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और बदलते आर्थिक रिश्तों का असर इनके द्विपक्षीय व्यापार पर भी हुआ है। वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत का मुख्य भूमि चीन और हांगकांग के साथ व्यापार 7% गिरकर $109.76 रह गया है। यह पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले वित्त वर्ष 2012 से 13 में भारत चीन के व्यापार में 10.5% की बड़ी गिरावट देखी गई थी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2018 और 19 में भारत चीन के व्यापार 3.2% की बढ़त देखी गई थी, यानी कि 1 साल के भीतर ही यह ट्रेंड बिल्कुल पलट गया। यही नहीं, वित्त वर्ष 2017 से 18 में तो भारत चीन के बीच व्यापार में 22% का जबरदस्त उछाल देखा गया था। इसे यह संकेत मिलता है कि पिछले एक वर्ष में देश में जिस तरह से चीनी विरोध भावना बढ़ी है, उसका असर व्यापार पर भी हुआ है। चीन की मुख्य भूमि के साथ काफी व्यापार हांगकांग के माध्यम से भी होता है।